चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है साइंस की, वर्कशीट नंबर 15 इंग्लिश मीडियम में। डेट है 7th of September 2021 इन एडवांस आपके लिए। टॉपिक है इस वर्कशीट का न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होती है बेटा? जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी सबसे छोटी लिविंग मतलब यूनिट बोल सकते हैं, जो अपने आप में सरवाइव कर सकती है। चलिए आप समझते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स किससे बनी होती है आप बताइए। आपका घर या कोई भी बिल्डिंग ब्रिक से बना होता है ना, ऐसे ही जो बॉडीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेल से बनी होती है। जिस प्रकार से बिल्डिंग्स ब्रिक से बनी होती है, ब्रिक की वॉल, वैसे आप देखिए अनियन पील है, इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके जूम करके आपको दिखाया गया है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। अनियन का पील जो छिलका देखोगे ना अनियन का, उसमें एक व्हाइट कलर की पतली सी पील निकलती है ना, आप देखिएगा बिल्कुल पतला सा, उसको जूम करके दिखाया गया माइक्रोस्कोप से बड़ा करके, उसमें इस तरह से खांचे नजर आए हैं, इनको सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल कैन बी सीन, सिर्फ हम इसको ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नील डाई से नहीं देख सकते अगर डायरेक्ट देखना चाहे तो, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जिनको हम नील डाई से नहीं देख सकते, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, यानी उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है, फूड का डाइजेशन, फूड का मतलब रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, जो भी सारा प्रोसेस है, इजेशन, फूड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, वो ओनली वन सेल कर रही होती है, एक ही सेल सब कुछ कर रही होती है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना है उसका नाम है अमीबा, इसी कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है। चलिए अब सेल के मेनली तीन पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत होते हैं ऐसे, तो सेल के ऑर्गेन्स बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तीन पार्ट कौन सा है? पहला है न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में दिख रहा है ना आपको, ये लिक्विड पार्ट ये है साइटोप्लाज्म, और जो बाउंड्री है बाहर की इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आपको ये तीन पार्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री, सेल के बाहर एक थिन आउटर बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ज्यादातर सेल में डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर वाले न्यूक्लियस होते हैं, दिख रहा है ना आपको। ये न्यूक्लियस की चारों तरफ जेली की तरह, मतलब लिक्विड टाइप का, थोड़ा सा जेली टाइप, जेली देखी ना हमने, उस तरह का सब्सटेंस होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सेल, बताएंगे इसका आंसर है द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डायग्राम को ड्रॉ करना है सेल का, और तीन जो बेसिक पार्ट थे ना उनको लेबल दिखाना है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। यहाँ दिखा भी रखा है, आप ऊपर का डायग्राम भी बना सकते हैं ये वाला सेकंड क्वेश्चन के लिए, या फिर आप ये बना सकते हैं, प्लांट सेल का मैंने लिया है। तो मेन तीन बेसिक पार्ट ये है, देखिए ये रहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से लिखा हुआ है, आप एक पार्ट हो गया, दूसरा आपको ध्यान रखना है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरा है ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, बस ये तीन ही लिखने हैं, बाकियों को आपको नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखिएगा आप, जरूरत ही नहीं, जब उन्होंने कहा ही नहीं तो आपको जरूरत क्या लिखने की। ठीक है, ये भी पार्ट होते हैं, आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। चलिए इसी के साथ हमारी वर्कशीट फिनिश होती है, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इसी वर्कशीट में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आया है जिसका नाम है, जिसमें सिर्फ ओनली वन सेल है, यानी सिर्फ एक ही सेल से बना है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय।